उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा बूट स्ट्रैप 4 कलेक्शन नंबर 6 है, जिसमें हम इमेजेस कैसे बूट स्ट्रैप में अपने अरेंज करते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम ये कंप्लीट सीखने वाले हैं, और इसके साथ हमने जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर ग्रिड सिस्टम सीखा था, उस ग्रिड सिस्टम की आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। ओके, कैसे हम अपने इमेजेस को ग्रिड सिस्टम के अंदर अरेंज करते हैं। ओके, उससे आपको ग्रिड सिस्टम की भी थोड़ी आइडिया मजीद हो जाएगा, ठीक है, जो आपको थोड़ी बहुत कमी रह गई हो ग्रिड सिस्टम में, वो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मजीद एक एग्जाम्पल के साथ मैं कवर करवाऊंगा। और इसके साथ हम इमेजेस की मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिव क्लासेस देखेंगे इन बूटस्ट्रैप 4। ओके, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ताकि अगर आपको उनमें से कोई भी एक प्लेलिस्ट की जरूरत हो तो आप इसीलिए हमारे चैनल से वॉच कर सकते हैं। दोस्तों ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा दी गई तमाम प्लेलिस्ट के नाम, जिनमें डिजिटल लॉजिक डिजाइन, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप 4, PHP, MySQL, मैथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, YouTube इन्फॉर्मेशन, Facebook इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, इस्लामिक वीडियो, C++ बेसिक, C++ एडवांस्ड, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, नेटवर्किंग और इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। इनमें 4 प्लेलिस्ट जिनमें जावास्क्रिप्ट, PHP, मैथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और इकोनॉमिक्स, ये 4 प्लेलिस्ट इंशाल्लाह फ्यूचर में आने वाली हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी प्लेलिस्ट हैं ये सारी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इन तमाम प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में आपको प्रोवाइड किया दिया गया, अब वहां जाकर किसी भी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं इजीली। अब चलते हैं और दोस्तों जाके अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए अपनी एक डिव लूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक क्या किया दिया, एक डिव क्रिएट किया। इस डिव को मैं जो है क्लास दूंगा बूटस्ट्रैप 4 की कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर क्या होता है, इसकी ऑलरेडी हमने ड्रिल सीखी थी, कंटेनर फ्रूट में क्या डिफरेंस है लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो बूटस्ट्रैप 4 का प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया, आप वहाँ जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोस्तों आपको पता है ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक रो होती है, उस रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और डिव लूँगा, ठीक है, और इस डिव को मैं बूटस्ट्रैप 4 की क्लास दूंगा रो जो कि एक रो डिफाइन करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होपफुली आपको। देन मैं क्या करूँगा, अब इस रो के अंदर ये रो बन चुकी है, अब इस रो के अंदर आपको पता है बूटस्ट्रैप 4 में एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम होते हैं। ओके, कितने कॉलम होते हैं, 12। उन 12 कॉलम को आप यूज़ करके एक रो में अपना डाटा पुट करवाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 इमेजेस लेने वाला हूँ, जिनको मैं जो है ना स्मॉल और आपको पता है डिफरेंट डिवाइसेज होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेज के लिहाज से हम अपनी स्क्रीन को मैनेज करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले कर लेता हूँ, 3 इमेजेस ले लेता हूँ जिनका सोर्स है 13.jpg। ओके, और इसी तरह बाकी भी इमेजेस है मेरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मेरी इमेजेस हैं 13.jpg, 14.jpg और 15.jpg। ये 3 इमेजेस हैं। अब देखो कितने, एक रो में कितने कॉलम है, 12 कॉलम है, ये सारी डिवाइस में सेम है। मैं चाहता हूँ दोस्तों जब मेरी ये तीनों इमेजेस जब एक्स्ट्रा लार्ज और मीडियम में हो ना, तब ये 4-4 कॉलम में नजर आए, 4-4 कॉलम में। ओके, क्योंकि ये देखें हमारे पास 12 कॉलम है ना, तो 4 कॉलम मैं पहली इमेज को दे दूंगा तीनों डिवाइसेस में, कौन कौन सी, मीडियम डिवाइस में, लार्ज डिवाइस में और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस में। मैं 4 पहली इमेजेस को कॉलम दे दूंगा, जगह दे दूंगा, दूसरी इमेजेस को 4 कॉलम की स्पेस दे दूंगा और तीसरी इमेज को भी 4 कॉलम की स्पेस दे दूंगा। अब देखें 4+4+4 = 12, तो 12 कॉलम हमारे पूरे हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ जी कॉल कि जब मेरी MD मीडियम डिवाइस होगी तब तुमने कितने कॉलम देने हैं, मेरी एक इमेज को 4 कॉलम देने हैं। ओके, उसके बाद कॉल जब मेरी LG लार्ज डिवाइस होगी तब तुम्हें कितने कॉलम देने हैं, 4। इसके अलावा जब कॉल जब मेरी एक्स्ट्रा XL एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस होगी तब भी तुम्हें कितने कॉलम देने हैं, इस इमेज को 4 कॉलम देने हैं। ओके, अब देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बाकी तीनों में भी, सॉरी ये आपने एक काम किया, एक एरर किया, वो क्या बोला कि आपने ये कहाँ दे दिया, इमेज के सोर्स के अंदर दे दिया ये चीज़। ओके, ये यहाँ पर नहीं थी देनी, ओके यहाँ पे नहीं देनी, इसको इसकी क्लास देनी थी यहाँ पे पहले आपने बूटस्ट्रैप की। ओके सॉरी, तो यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दोगे, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया, बता दिया।
ओके लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था इमेजेस की डिफरेंट क्लासेस होती हैं बूस्टर फोर में कि आप अपनी इमेज को किस तरह दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसकी इमेज दिखाने के तीन स्टाइल होते हैं बूस्टर फोर में। एक राउंडेड कि आपकी इमेज राउंड हो जाती है, एक होता थंबनेल आपकी इमेज के इर्द गिर्द बॉर्डर आ जाता है, और एक होता है हमारे पास सर्कल कि आपकी इमेज सर्कल हो जाती है। ओके तो यहाँ पर हम तीनों यूज़ कर लेते हैं। पहली इमेज को हम देते हैं इमेज, आपने सिंपल क्या लिखना होता है IMG इमेज, आगे हाइफन और आगे मीन माइनस के साइन हाइफन और आगे लिखना है जो भी आपने पहले। तो पहली इमेज को मैं देता हूँ सर्कल, सर्कल CIR सर CLE सर्कल। ओके तो पहली इमेज को मैंने क्लास दे दी इमेज सर्कल के नाम से। अब मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C के साथ और यहाँ पे जाके क्लास ऐड करता हूँ और इसे कंट्रोल वी कर देता हूँ। लेकिन इसका मैं इमेज क्या कर लूँगा, इमेज राउंडेड RUND राउंडेड। ओके तो पहली इमेज को मैंने क्लास दी इमेज सर्कल, दूसरी इमेज को मैंने क्लास दी इमेज राउंडेड। ओके देन तीसरी को मैं देता हूँ इमेज थंबनेल, ओके क्लास CLA क्लास तो और यहाँ पे इमेज थंबनेल। तो ये देखें इमेज थंबनेल के नाम से क्लास होती है। ओके देन उसके बाद मैंने क्या कॉल MD4 कॉल LG4 और कॉल एक्स्ट्रा LG4 ठीक है एक्स्ट्रा लार्ज। देन उसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं जब हमारी कौन सी डिवाइस, ये तीनों इमेज जब हमारी स्मॉल डिवाइस हो या एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस हो मीन फोन के लिहाज से, तब ये हमारी एक इमेज एक रो में एक नजर आए मीन एक जारी बात है वहां पे स्क्रीन छोटी हो जाती है तो जारी बात है फिर एक इमेज जो है नजर कितने एक रो में एक ही इमेज नजर आए। ओके तो सिंपल उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल XS XL स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल के एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर ये कितनी नजर आए पूरे के पूरे 12 कॉलम की स्पेस ले ले। ओके इसी तरह दोस्तों मैंने आगे कहा, मैंने कहा जब ये मेरी इमेज कॉल SM स्मॉल डिवाइस में नजर आए तब भी ये पूरी की पूरी 12 कॉलम ले ले एक रो में जितने कॉलम सारे के सारे फिल कर ले। ओके देन मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों अब आप जरा गौर करो, मैंने कहा जब मेरी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस होगी या स्मॉल डिवाइस होगी तब ये तीनों इमेजेस पूरे पूरी की रो में नजर आएंगी मीन एक रो में एक ही इमेज नजर आएगी, लेकिन जब मेरी मीडियम डिवाइस लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस होगी तब ये एक इमेज चार कॉलम लेगी। इसका मतलब है कि चार कॉलम अगर एक इमेज लेगी तो तीनों इमेज चार चार कॉलम लेके एक रो में तीनों इमेजेस इकट्ठी नजर आएंगी। ओके तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, तो मैंने ये सेव किया और इसे जाके एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके तो ये देखें बूम गाइस, देखें ये पहली इमेज को हमने क्या क्लास दी थी इमेज सर्कल की और ये देखें ये आपकी इमेज क्या हो गई है सर्कल हो गई है। देन दूसरी को हमने क्लास दी थी इमेज राउंडेड, तो इसके लिए देखें आपको अगर नजर आए ये इसके जो कॉर्नर हैं ये राउंडेड हो चुके हैं, इमेज के कॉर्नर क्या हो चुके हैं राउंडेड हो चुके हैं। देन उसके बाद तीसरी को हमने दी थी थंबनेल, तो ये देखें इमेज के इर्द गिर्द बॉर्डर आ गया। ओके ठीक है अब देखिए ये कौन सी डिवाइस है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है। जैसे ही दोस्तों ये जाएगी लार्ज में तब भी ये आपको तीनों इमेजेस एक ही रो में नजर आएंगी, ये देखें उसके बाद ये देखें आपको नजर आ रही है, उसके बाद मीडियम में भी आपको तीनों इमेजेस एक ही रो में नजर आएंगी। लेकिन जैसे ये स्मॉल में जाएगी तो आपको एक इमेज एक ये देखें स्मॉल डिवाइस में एक इमेज एक ही रो में नजर आ रही है। ओके ये देखें ठीक है तो तीन इमेज तीन रो में। देन जैसे ये एक्स्ट्रा स्मॉल में जाएगी मीन फोन डिवाइस में तब भी ये एक इमेज एक ही जो है ना रो में नजर आएगी। ओके सिंपल तो ये देखें ये एक इमेज एक ही रो में नजर आई है, तो ये देखें आपकी इमेज रिस्पॉन्सिव भी मान गई है कि जैसे ही आपकी डिवाइस की विड्थ छोटी हो जाती है तो ऑटोमेटिक ये एक इमेज एक ही रो में नजर आती है। ओके लेकिन जैसे ही ये जाती है मीडियम लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज में तैन ये साथ ही अपने आपको तीनों इमेज एक ही रो में अलाइन कर लेती हैं ठीक है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने बकायदा ग्रिड सिस्टम की प्रैक्टिस भी कर दी एक दफ़ा दोबारा से, फिर एक दफ़ा जो तो हमारी थोड़ी कमी रह गई थी वो भी पूरी हो गई है। देन उसके बाद हमने आज नई क्लासेस सीखी हैं उसकी इमेजेस की। ओके और एक दोस्तों आपको बात बताऊँ, अगर आपने ये कॉलम ना यूज़ करने हो मीन कि कौन सी डिवाइस में कैसा नजर आए, फिर दोस्तों आपके पास एक क्लास होती है कि अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल ये ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया, ग्रिडिंग इस्तेमाल नहीं की ग्रिड सिस्टम, तो देन आपकी इमेज जो है ना छोटी स्क्रीन के ऊपर जाते सार मीन बिगड़ ना जाए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लास होती है सिंपल आपने क्या लिखना होता है IMG इमेज और आगे हाइफन रिस्पॉन्सिव। ओके तो इमेज रिस्पॉन्सिव की क्लास तब हम यूज करते हैं जब हमने अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना हो, लेकिन तब जब हमने ये ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल ना किया हो। ओके तो जब दोस्तों आपने ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल ना करना हो तब आप अपनी इमेज को इमेज रिस्पॉन्सिव जरूर बनाएंगे ताकि ये जब भी किसी डिवाइस में जाए तो अपने आप को खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव बना ले। ओके सिंपल लेकिन हम मोस्टली ज़्यादातर ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है ये आज की क्लास थी, आई होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।